नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्तों के साथ तब का प्रो गेमिंग यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट फिर से पॉकेट एडिशन। सबसे पहले कैमरा ठीक कर लेते हैं, ऐसे नहीं। ओके। सो आज का मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है कि जो चेस्ट है उसमें बहुत सारा कचरा है, तो कचरा ठीक करना। सबसे पहले देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। ये है किसका आयरन, आयरन है, स्टोन, ये गोल्ड और ये है डायमंड। ओके, सो पिछले वाले वीडियो में मैं डायमंड ढूंढ रहा था और मुझे 5 डायमंड मिले। सो 3 डायमंड के मैंने पिकेक्स बना लिए और 2 डायमंड के मैं स्वॉर्ड बनाने वाला था, लेकिन नहीं, इस बार हम 2 डायमंड के बनाएंगे इंचांटमेंट टेबल। इसलिए मैंने वो 2 डायमंड बचा के रखे हैं और इधर अदर्स मतलब सब मिक्स होता है। सो अदर्स में से कुछ निकल सकते हैं क्या? अभी अभी मैंने विच को भी मारा है तो उसके 2 रेडस्टोन मुझे ब्लॉक्स मिल गए हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, इंचांटमेंट टूल्स में रेडस्टोन अपना डाल देता हूँ। सो 55 रेडस्टोन हो चुके हैं हमारे। और इधर इसमें क्या है, आर्मर और ये नेदर और ये एंड सिटी। सो इलाइट्रा वगैरह, चॉर्कस फ्रूट वगैरह वो एंड सिटी में होगा, वो बहुत बाद की चीज़ है, अभी उसका कोई ध्यान नहीं है। और अभी मेरे को चाहिए इधर मेरे को विलेजर्स लाने, क्योंकि विलेजर्स ये डाई हो गए, अभी मेरे को तोड़ना है, मतलब इसका मैकेनिक बदलना है। और ये मैंने कोई मॉब इधर आके मेरे को किल करने का आता है, से लीवर खींच दूंगा। और इधर आप देख सकते हो डायरेक्ट नीचे ख़त्म। अभी वो पंछी जाने वाला था। और एक न्यू चीज़ बनाई है मैंने, ये कुछ इस तरीके है। ओके, सो इस तरीके के मैंने एक चीज़ बनाई है। सो ये चीज़ आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में बताना, मतलब प्रो की नाम का एक टेक्स्ट बनाया है और बहुत सारे डेकोरेशन होने वाली है इसमें। सो देखते हैं अभी और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें। और न्यू आज का मेरा प्लान है कि जो विलेज है, ये विलेज बहुत ही ओल्ड टाइप या बहुत ही सिंपल टाइप लग रहा है, तो मैं पूरे TNT से इस विलेज को उड़ा दूंगा। और इस विलेज से जो भी लूट बोलती है वो लूट ले लूँगा, उस लूट से जो भी मिलता है वो ले लूँगा। और उसके बाद इस विलेज को पूरा ब्लास्ट कर दूँगा, न्यू विलेज जनरेट करूँगा। ओके, सो ये मेरा प्लान है आज का। सो न्यू विलेज जनरेट करना, लेकिन आज मैं सिर्फ विलेज को ब्लास्ट करने में रखूँगा, मतलब TNT लगाने में। और मुझे विलेज बनाने में और एक पार्टनर की भी लगेगी, तो आपको अगर मेरे वर्ल्ड में मेरे साथ अगर गेम खेलनी है, मेरे को हेल्प करनी है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक दी है और उधर जाके चेक करो लिंक और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, मैं कभी भी आके आपको बता सकता हूँ। और एक और चीज़ है कि ये बदलने का, क्योंकि हमारे विलेज में से बहुत सारे विलेजर्स जॉम्बी विलेजर्स बन चुके हैं। एक और चीज़ कि हमारे विलेज में रेड नहीं पड़ती, क्योंकि अभी रेड स्टार्ट नहीं किए मैंने। रेड कैसे स्टार्ट करते आपको पता है, एक या दो या बहुत ज़्यादा तीन पिलेजर्स को किल करने से रेड स्टार्ट होती है, रेड प्रोग्राम। सो मुझे अब आर्मर बनाना है आयरन का आज का, मतलब रेड के लिए बिगिनिंग करनी है आज पूरा रेड का होने देते। तो सबसे पहले हम इधर से उठा लेते हैं आयन। तो इस आयन से क्या क्या टूल्स बनेंगे देखते हैं हम लोग। आयन की स्वॉर्ड है हमारे हाथ में, आयन ही है आयन की स्वॉर्ड, 38 आयन इंगेट से। सबसे पहले हम बनाते हैं आयन हेलमेट। ओके, सो मुझे देख आयन हेलमेट बन चुका है, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और बूट्स। ओके, सो अभी तक सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब बचा है तो कुछ नहीं बचा है, और हमारे आयन इंगेट्स 14 बचे हैं, मतलब आयन बहुत है हमारे पास अभी। सो वाई शर्ट इसको ओपन करना है, वाई आई थिंक वॉल्यूम कम है, तो मैं वॉल्यूम ज़रा मैंने वॉल्यूम अभी बढ़ा दिया है, फिर भी वॉल्यूम कम ही आ रहा है ज़रा।
ये देखना पड़ेगा बाद में। ओके सर, सबसे पहले एक अचीवमेंट अनलॉक कर लेते हैं जिसका नाम है सूट अप। मतलब मैंने चीट्स ऑन कर रखी है, सो अचीवमेंट तो कुछ होगी नहीं, फिर भी हम हमारा सूट पहन लेते हैं। ओके सो पूरा आयरन आर्मर पहन लिया है अब हमने, अब हमरे को कोई नहीं मार सकता। और आई थिंक कि इधर मैं क्या बोलते हो, इधर मैं माइनिंग के लिए रख रहा था क्रीपर। क्रीपर क्रीपर भाई तेरे को फटना है ना, इधर आ जरा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, फट। शिट यार, मेरा टेक्स्ट था इधर यार, मेरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इधर टेक्स्ट था मेरा। इस मुझे इन्वेंटरी से भी डॉट ब्लॉक ले लिया, तो फिर आई थिंक मुझे थोड़ी सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी। सेंसिटिविटी 47। ग्लास भी है इधर, इधर बहुत सारी चीज़ें। सो अब TNT लेने के लिए मुझे एक चाहिए, बहुत सारे क्रीपर्स को किल करना है, और क्रीपर हमें मिलेंगे। ये सीड्स खाता है ना, देखते हैं मेरे पास सीड है क्या। ओ सीड है, सीट स्टैंड ये बहुत ही बेस्ट है मेरे का। अरे इसको उड़ने देना, उड़ भाई तू, और कुछ काम नहीं हो रहा तेरे साथ। ओके सो सबसे पहले हम लूटते हैं विलेजर्स को, देखते हैं क्या क्या है उन सब लोगों के घर में। कोई आवाज आ रहा है, आई थिंक फैंटम है, नहीं फैंटम नहीं, फैंटम। वेट अ मिनट, ये आवाज कहीं तो सुनी हुई लगती है। मैं लास्ट में जो ये बहुत फट रही है, एक बार ऐसे लग रहा है कि वॉल्यूम बंद कर दूं। ओके सो उधर के साइड ये आवाज आ रही है, ज़ॉम्बीज आवाज है, ज़ॉम्बी है, स्केलेटन है, लेकिन ये सब लोग है कहा। कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। व्हाट द फक, इधर केव है, तभी मैं सोचू इतनी आवाज क्यों आ रही है। आई थिंक कि इधर ज़ॉम्बी स्पॉनर भी हो सकता है, सो इधर न जाना ही अच्छी चीज रहेगी। एक एनविल है, एनविल ले लेंगे, मुझे पिकैक्स ले जानी, क्राफ्टिंग टेबल नहीं चाहिए। और क्या है इधर इनका चेस्ट में, ओ सीड्स दे दे मेरे को।
ओके अच्छा वो किधर है पंछी? कोई नहीं, देखते सेव कर दे फूड में। आई थिंक कि मेरे पास बहुत सारे सीड्स है चिकन्स। ओके सो एक एक्सपी के लिए हमने किया और कुछ नहीं सोचना तुमने। ओके गिर गया क्या? चलो कोई नहीं, जैसे हम हमारे आर्मर के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ओपी ओपी देख। अरे यार किधर था वो, किधर था तू? रुक तेरे लिए मैं देखता हूँ कुछ है क्या। सीड्स है, सीड्स है, पूरा स्टैक सीड्स है। अब तो पेट भर के खाएगा लाला। किधर किधर है? अब इसको कैसे खाए, मतलब इसको खाने में कैसे? ये सिर्फ बैठा है और खड़ा रहता है। नहीं नहीं। ओके सो आर्मर में है, फर्स्ट थिंग तो हो चुकी है कि आयन आर्मर हमने बना लिया है। सर पीछे होते हैं हम। ओके सो रेड को क्या लगता है? एक रैवेंजर आता है जो सब तोड़ने लगता है। सो रैवेंजर में हमको रैवेंजर को बचाने के लिए हम लोगों के चाहिए। लगता है मेरे को एक और बनाना पड़ेगा। रुको रुको रुको, बहुत प्रेशर प्लेट्स बज रही है, लगता है कोई तो आ गया है अंदर। वेट हैंग ऑन वेट। क्या चिकन्स भी नीचे आ सकती है? ओ सो ये सीड्स देख के नीचे आ गए। ओके सो एक आ गया है नीचे। इधर इधर आ छुटकू। बहुत ओ आंखों के सामने बड़े हो गए ये चिकन। अब सेकंड आ जा तू भी भाई। किधर हो रहे है? ये और ले, बस उसको आने दे। अब वैसे एनिमल फार्म भी बनाने चाहिए हम लोगों को, क्यों बहुत इजी पड़ता है। क्यों नहीं टेडी? हाँ मुझे जाने नहीं, नहीं ये वो ही बना। I will can स्लीप। ओके सो ये अब हमारा आयन आर्मर बन चुका है और बहुत सारी चीजें हमने कर ली है। यार ये हार्ट रुक नहीं रहा। ये चिकन दिख रहा है ना? सो पार्ट टू की एडिटिंग बहुत जल्द कंप्लीट होगी। पार्ट टू और पार्ट वन एक ही चीज में रिकॉर्ड हुए थे। सो हम जब कगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।